नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1273 दिन की क्लास है और आप देख रहे हैं 3 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होते हैं पी से। जी हाँ, पी से तो शुरुआत हो ही चुका है। तीन अभी बहुत बेसिक चल रहा है। अगर आप शॉर्ट किसी भी लंबे लंबे वर्ड का शॉर्ट में अगर उच्चारण नहीं करना जानते हैं तो आप यहाँ देखें कैसे कैसे उच्चारण। तो जिनको नहीं पढ़ने आता वो बेसिक से सीखेंगे। और दोस्तों इसके बाद एक टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट के पहले जो सबसे पहले बहुत सारे आपके इंग्लिश को नहीं पढ़ने के पीछे क्या रीज़न है, कैसे लोग पढ़ते हैं, क्या क्या जानना चाहिए और दोस्तों वर्ड्स जिसका आप रोज इंतजार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्ड्स पे ही आपको ले चलता हूँ। पहला वर्ड का दोस्तों हिंदी देखिए, पुष्टि करना। यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया मैंने क, तो अनुमोदन करना, पुष्टि करना, अनुमोदन करना। क्या वर्ड है? कोरोबोरेट, कोरोबोरेट, एट ई को एट बोलते हैं, एट अगर आर लग गया तो रेट हो गया। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट मीन्स पुष्टि करना, अनुमोदन करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हॉर्स। हॉर्स नहीं, एच ओ आर एस ई नहीं है, ये एच ओ ए आर एस ई है। हॉर्स मीन्स होता है, यानी आप इसे अच्छे से याद करने के लिए एक सुविधा बना देता हूँ मैं कि एच ओ आर एस ई, ये हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा होता है ना, उसी के बीच में एच ओ के बाद जब ए लग जाता है, ये देखिए ए लग गया ना, ए लग गया, ए लग गया, हमारे यहाँ ए नहीं है, ए लग गया तो ये हो गया हॉर्स। उच्चारण वही हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है कर्कश स्वर, कर्कश। कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं है ना जोर जोर से, या फटा स्वर को भी बोलते हैं हॉर्स। अब याद हो जाएगा ना, हॉर्स मीन्स घोड़ा ही नहीं, कर्कश स्वर, फटा स्वर। नेक्स्ट वर्ड देखिए ये दोस्तों, ये इसको मैं क्लीन कर लूँ, तो क्लीन करने के बाद यहाँ देखिए दूसरा है, नेक्स्ट में थर्ड, इनसेसेंट, सेंट, इनसेसेंट, बिना रुके लगातार, मतलब क्रमबद्ध। देखिए अभी कुछ लोग मतलब कमेंट्स मैंने पढ़ा और अच्छा खासा कमेंट्स पढ़ा, मैंने पढ़ता हूँ भी हूँ खाली समय में, तो मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कैसे, मतलब मुझे रोज़ वर्ड्स चाहिए, मुझे कैसे याद होगा, इसका पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, आप इसे लिख लीजिए कॉपी पर, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और बस लिख लीजिए। अगर लिख लेते हैं तो फिर दिक्कत कहाँ है, इजीली है, उसको याद कर लीजिए बोलने को, याद कर लेंगे 10-12 वर्ड है दिन भर में। अगर एक ही वर्ड को 10 बार बोल देते हैं ना, 2 बार रिपीट कर लेते हैं 20-20 बार, कितना टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट के समय में आप कर लेते हैं, पूरा पूरा हो जाएगा। तो चलिए हॉर्स, हॉर्स इंसेंट मीन्स होता है बिना रुके लगातार। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सेसरी, एक्सेसरी, एक्सेसरी मीन्स होता है अतिरिक्त या सहायक। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसरी का मतलब हुआ सह अपराधी अनुयायी, सह अपराधी अनुयायी। नेक्स्ट वर्ड है रेलिंक्विस, रेलिंक्विस का मतलब था छोड़ना, त्याग करना, छोड़ना, त्याग करना। नेक्स्ट है वीसीएस, वीसीएस, वीसीएस का अर्थ है पापमय, बुरा, दोषयुक्त, वीसीएस, वीसीएस। दोस्तों इन सब वर्ड्स को आप अपने बोल चाल की भाषा में शामिल करें और लिखने में शामिल करें, इसलिए सबसे ज़रूरी कि याद कर लीजिए और याद करके ऐसा करें तो आगे आने वाले आप देखकर कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीसीएस मीन्स पापमय, बुरा, दोषयुक्त, जबकि स्टॉन्च, स्टॉन्च का अर्थ है दोस्तों वफादार, कोई तो वफादार होगा, कट्टर, पक्का, कोई तो पक्का होगा आपका स्टॉन्च। नेक्स्ट वर्ड पपोट, पपोट का मतलब होता अर्थ, भावार्थ। अगर एक वर्ड और मैं दे दूं यहाँ पर तो कोई बुरा नहीं होगा, भावार्थ, ठीक है, प्रयोजन, तात्पर्य, बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं पपोट, पपोट। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस का अर्थ है निंदनीय, सर्वनाश, घटिया, निंदनीय, सर्वनाम, घटिया, इग्नोमिनियस। नेक्स्ट वर्ड देखिए परसेक्वेशन, परसेक्वेशन, सजा, यातना, उत्पीड़न, सजा, यातना, उत्पीड़न, परसेक्वेंस, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस, सीक्वेशन, सीक्वेशन, परसेक्वेशन। नेक्स्ट वर्ड है अब देखिए इस जी यू एल एल आई वी एल ई को क्या पढ़ेंगे, गलीबल, गलीबल पढ़ेंगे, याद रखिएगा, जिसे मैंने कल पूछ दिया था फर्स्ट में, तो जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके,
आपको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, यानी कि आप गलीबल हैं, यू आर ए गलीबल बॉय, यू आर ए गलीबल गर्ल, जिसे आसानी से धोखा दिया, ऐसा है नहीं आपको आसानी से धोखा दिया जा सकना, बहुत ही मुश्किल होगा, ये कभी कदार हो सकता है, आप कोई भरोसा में लेकर ऐसा कर सकता है। तो आप कभी भी किसी से धोखा ना पाएं, इसके लिए आप सतर्कता बरतें, वो ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए, इन सबको याद करने के बाद आप दोस्तों अगर याद कर लेते हैं और नहीं भी करते हैं तो भी देखिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए क्या जरूरी होता है, अल्फ़ाबेट 26 लेटर के होते हैं ये दोस्तों, इस तरह से यहाँ से याद है, ये सब जेड है जिसको ए टू जेड ही हम लोग करते हैं, अल्फ़ाबेट कहाँ करते हैं, लेकिन अब अल्फ़ाबेट कहना सीख जाइए। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है जो वॉवेल में 5 लेटर्स होते हैं, दूसरा पार्ट है तो कॉन्सनेंट जिसमें 21 लेटर होते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 26 लेटर जो है कहीं ना कहीं, यानी कितने तरह से पढ़े जाएंगे, जी हाँ ये 68 तरह से पढ़े जाते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो इसी को पढ़ने कम बेसी आ रहा है इसी वजह से, या लिखने नहीं आ रहा इसकी वजह से। इसके अलावा आप तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो है इंग्लिश पढ़ने में, तो आप बस दोस्तों ये पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, जो कि 64 है, 3 साइड मिल जाएंगे, इजी है, और एक बार कर लेंगे तो आप कोई वर्ड आसानी से पढ़ेंगे, क्योंकि वही पार्ट बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा तो सबसे पहले कॉन्सनेंट पर चर्चा करेंगे, कॉन्सनेंट जो कि हल्का होता है, ईजी है, ये देखिए बी से लेकर जेड तक जो है जिसमें ए ई आई ओ यू नहीं है, इनको छोड़कर जितने भी है लेटर्स में सारे के सारे कॉन्सनेंट कहे जाते हैं, और इसका उच्चारण सीख जाइए, जी हाँ उसका उच्चारण जो है सीख जाइए तो आपको बहुत ईजी मतलब फील करेंगे, क्योंकि इसके बिना तो इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाएंगे ना, तो याद कर लीजिए इसे। मैं यहाँ पर सीधा आपसे यही निवेदन करूँगा, नम्र निवेदन है, बार बार क्यों रिपीटेड हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है, याद करना होगा, जैसे ये वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो इंग्लिश पर्सन जो भी पढ़ता पढ़ता है कहीं भी वर्ल्ड के किसी को ना इंग्लिश पढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वॉवेल का सारे उच्चारण, चाहे तो जानते हुए है या अनजाने में है, तो है, जैसे एक उच्चार अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं, आपको कितना पता है आप जानिए, ई को 5 तरह से पढ़ सकते हैं, आई को 5 अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं, ओ को 4 तरह से पढ़ सकते हैं, यू को यहाँ 4 और डबल ओ को 5 अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये देखिए ए ए है यहाँ पर, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है, यहाँ पर अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग अलग, क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस तरह से पढ़ा है भाई, कोई भी वर्ड को अंग्रेज़ों ने यहाँ 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 अलग पढ़ दिया, यहाँ पर यहाँ 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 अलग, यहाँ वॉवेल ही ज़्यादा जो है आप घूम घूम के आता है, हर एक वर्ड में अलग अलग, कॉन्सनेंट बार बार नहीं बदलता, लेकिन वॉवेल जो है बदल जाता है, ठीक है, तो वॉवेल बदल जाता है, और उसके बदलाव को यह इसी से पता चल जाता है कि देखिए समानता है, जैसे अ आ सब में है, सब में देखिए अ आ है ना, अ आ, अब देखिए यहाँ पर ये समानता देखिए, इससे है कि आप समझ जाएंगे कि बदलाव भी है तो वो ऐसा कुछ बदलाव नहीं है जो कि बहुत बड़ा है, एक बार याद कर लेंगे तो सब कुछ है, ये समानता है, बाकी सब कुछ तो है ही, तो इसको पढ़ लीजिए ना कैसे पढ़ा जाता है, जो इधर पढ़ा वर्ड्स है इधर अगर आपको पढ़ने आता है तो इसमें देखेंगे कि कैसे है ना, जैसे यहाँ देखिए मार्बल पेन पीस सर्कल पीन टायर सम अवॉर्ड टू टोन बट फुट म्यूट फ्लड रूम फ्लोर, अभी जब देखते जाइए आप वीडियो को पॉज करिए देखिए समझिए क्या है क्यों है, जैसे ओ ओ ओ ओ यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए अ आ उ ओ, यहाँ पर अ पढ़ा गया सम, यहाँ आ पढ़ा गया अबाउट, यहाँ पर उ पढ़ा गया प्रूव, यहाँ पर ओ पढ़ा गया टोन, सभी को अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए अब दोस्तों जैसे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़ लेंगे तो आपको और जल्दी से आ जाएगा, जैसे टी आई एन को सन बोलते हैं, टी आई से स होता है याद रखिए, टी आई से सी होता है, टी यू से च होता है, टी यू से च होता है, ये कुछ फिक्स वाला है पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार सफिक्स के रूप में आता है, पी आर प्रो ये प्रीफिक्स है, प्रो यहाँ सन को सन जाने, एलोजिकोलॉजी ई एन को एन, सी एन को कन, सी एन को कम, वे कंज्यूमर कंप्यूटर ई आर को पावर टेंट है तो इम्पॉर्टेंट, तो इन भी तो पार्ट है, तो सबको याद कीजिए, जी हाँ याद करना ही होगा अगर इंग्लिश तेज़ी से पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वर्ड लिखते समय गलतियाँ नहीं करना चाहते हैं तो यही है दोस्तों, जी हाँ यही है आपका शॉर्टकट तरीका, देसी जुगाड़ का जिसे कह सकते हैं।
तो चलिए जैसे देखिए यहाँ पी आर ओ प्रो सी यू आर ई क्योर एम ई एन टी मेन, क्योर यहाँ से ई एन टी यहाँ से एम लग गया तो मेंट हो गया, अब प्रो मैंने शुरू में पढ़ दिया था। तो ये क्या है, कई पार्ट को जोड़कर एक वर्ड बन गया। तो ऐसे ही तो हर एक वर्ड्स में अगर लाखों वर्ड हैं तो इसके पीछे दोस्तों ये आपका जादू की तरह काम कर रहा है। यहाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा मैंने यहाँ पर कर दी है। अब चलिए देखिए एक और बात, इसे याद करिए और कहीं भी वर्ड्स मिले तो उसको पढ़िए और ये चेक कीजिए, शुरू में आप ये चेक कीजिए कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, इसका लिस्ट ले तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए 64 को कॉपी पर रखिए, मिलाइए कि भाई ये कौन सा जो है यहाँ पर आया है कौन सा है। शुरू में आपको दिक्कत होगा लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप एक नज़र में देखेंगे कि अरे यहाँ तो ये आ गया, जैसे अब यहाँ मैं कह दूँ यहाँ पर एक्स आ गया या यूनी आ गया यूनाई आ गया, इसकी चर्चा लास्ट स्लाइड में हो ही जाएगी। चलिए दोस्तों अगर हमारे वीडियो तक अगर अपनी पहुँच बनाना चाहते तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब में गूगल में टाइप करके माइक बोल के हम तक हमारे प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। अगर रीडिंग करना सीखना चाहते हैं, राइटिंग किसी को बताना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं स्पोकन एकदम ग्रामर वे में, ग्रामर मतलब ग्रामर के साथ ग्रामेटिकल है, तो आप जो है बस देख लीजिए और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है उसको देखिए ना, तो ग्रामर से बोले नंबर सही कहना है, तो सब कुछ साधारण तरीके से बताया गया है, कोई भी बच्चा से बच्चा और बड़े से बड़ा भी सीख सकता है। और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो बस 10 दिन काफ़ी दीजिए, लेकिन एक काम जरूर कीजिए एक कॉपी बना लीजिए मेरे विनम्र निवेदन पर और उसे जैसा जैसा वीडियो बताएगा वैसे वैसे करते जाइए। कॉपी बनाने से एक रिवीजन हो जाएगा, बार बार हमारे वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप सीखेंगे मेरी संतुष्टि यहीं तक है। और देखिए वीडियोस और भी आते हैं है ना, लेकिन इंग्लिश को चूँकि ज़्यादा लोग मेरे चैनल पर पसंद किए हैं करते हैं इसलिए इंग्लिश के वीडियोज़ तो आएंगे ही आएंगे। अब समय के अभाव में जो है दोस्तों चूँकि एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटा का समय लग ही जाता है, तो फिर दिक्कत क्या है आपको मैं जैसा जैसा देते जाता हूँ इंग्लिश एक दिन ऐसा आएगा कि इंग्लिश के लिए पूरे देश में एक ही होगा। मैं इधर उसकी बात नहीं, मैं फैक्ट बात करता हूँ, भले ही आपको एक जैसा रोज लग रहा है वीडियो लेकिन डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे टेक्स्ट पर वर्ड्स पर है ना, ये सब रहते ही हैं, बाकी जो है वो तो पढ़ना है। जैसे देखिए अब ये वर्ड आ जाए किसी वर्ड किसी टेक्स्ट में आप इसे ऐसे और क्या लिखा हुआ है उसको मीनिंग खोजने लगेंगे आप कि कुछ तो मीनिंग होगा, गलत लिख दिया गलत छप गया, समझना नहीं है समझ सोच लीजिए भाई ऐसा आ जाए तो लिख दीजिए पी पढ़ दीजिए पी एच एम कुछ बड़ा इसमें टेंशन नहीं है, पी एच ओ इसको फो भी पढ़ सकते हैं, कई जगह आप इसे फो भी पढ़ देंगे कुछ गलत नहीं होगा शॉर्ट में, या ऐसे पी एच ओ पढ़िएगा दोनों। फिर देखिए पी एच पी जब भी कैपिटल में कोई वर्ड लिखा रहा है तो उसका मतलब है कि वो किसी का शॉर्ट है ना, कोई वर्ड मीनिंग का शॉर्ट क्या हुआ है पी एच एस। नेक्स्ट है पी एच टी। नेक्स्ट देखिए पी एच वाई फी फिजिक्स, पी एच वाई भी बोलेंगे फी भी बोलेंगे दोनों तरह से चयन कर सकते हैं, पी एच वाई भी बोलिए ज़्यादा अच्छा है लेकिन अगर शॉर्ट में लिख दिया जाए तो फी बोलिए पिया। नेक्स्ट है तो पिक मीन्स क्या होता समझते हैं, पिक्चर का शॉर्ट है पाई। नेक्स्ट है पिग मीन्स भी आप समझ रहे हैं पी आई एम बोलेंगे और उसके बाद तो पी एन पिन बोलते हैं, जानते हैं पिन क्या होता है। नेक्स्ट PFA, नेक्स्ट है PFD, नेक्स्ट PFI, PFS, नेक्स्ट है तो PGA, नेक्स्ट वर्ड है PGF, नेक्स्ट PGM, नेक्स्ट PGM यहाँ ZJ कर देंगे PGO, नेक्स्ट है PGS, नेक्स्ट ऐसे ऐसे पढ़ते जाइए PHB, जिनको बेसिक पढ़िए PhD पढ़ने से भी तो आपका जो है स्पेलिंग को लेकर जो टेंशन है वो दूर होगा। PHI फी पढ़ेंगे फी है ना, फिर देखिए पे PEI है ना, पे PEI PEL। नेक्स्ट वर्ड है तो PEN पेन, नेक्स्ट है पेप PEP, उसके बाद पर पेस देखिए PER को पर बोलते हैं पेट पेव प्यू PEW को प्यू PX को पैक्स पढ़ेंगे PEX दोनों पढ़ेंगे। नेक्स्ट है तो PEZ पेस है ना पेस। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है PIO पीप, नेक्स्ट है पिर
नेक्स्ट है पिस, नेक्स्ट देखिए पीट, पीयू, पी आई वी, पी आई एक्स पिक्स, पी जे एस, पी के सी, पी के जी, पी के के, नेक्स्ट देखिए पी के एस, पी के यू, पी एल ए, पी एल सी, पी एल एफ, पी एल एल, पी एल ओ है ना, पी एल ओ, प्लू, पी एल यू प्लू, पी एल वाई प्लाई, जानते हैं ना प्लाई, पी एल जेड को शॉर्ट में प्लीज बोलते हैं, प्लीज, पी एम बी, नेक्स्ट है पी एम एफ, पी एम एफ, नेक्स्ट वर्ड देखिए पी एम जी, पी एम जी, पी एम एच, पी एम एच, पी एम एल, पी एम ओ, नेक्स्ट है पी एम क्यू, पी एम एस, उच्चारण कर चुके हैं तो अच्छी बात है, पी एम टी कर लीजिए जल्दी से, पी एम वी, पी एन डी, पी एन ई, नेक्स्ट है तो पी एन जी, जैसे आते हैं फोटो होते हैं पी एन जी में, या जे पी जी, तो पी एन जी है, पी एन पी। दोस्तों ये था, अब देखिए जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को ही समझिए, इस टेक्स्ट को एक साथ मैं लाता हूँ, आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस करना क्या है, तो बस एक बार आप पढ़ लीजिए, दिक्कत होगा उसके बाद मैं पढ़ूंगा और दोनों का डिफरेंस देखिए कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है। तो चलिए पूरा एक बार तेज़ी से मैं आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं पढ़ता हूँ, टू पुट इट सिंपली, सिंपली, सिंपली फॉरेन, जी एन को ना बोलते हैं, ठीक है, फॉरेन, फॉरेन, ट्रेड एक के बाद ही है तो एक और चार एक रुपये हुआ, ट्रेड क्रिएट्स एंड ऑपर टी यू कुछ बोलते हैं ना, चू चार दोनों बोलते हैं, चूनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर, फॉर द पी आर को बोलते हैं प्रो, प्रोड्यूसर्स टू रिच बियॉन्ड, बियॉन्ड नॉट एस, बियॉन्ड द डोमेस्टिक, एक जो है हमारा पार्ट है टी लगा टिक हो गया, मार्केट फॉर, इसको बोलते हैं ई आई को, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इसको फॉर एग्जाम्पल ही बोलते हैं, ई आई नहीं बोलते हैं, ई आई ई नहीं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मार्केट्स ऑफ देयर ऑन कंट्रीज है ना, आई एस पी बोलते हैं, टी आर के साथ लगा तो ट्रीज हो गया, प्रोड्यूसर्स कैंसेल देयर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड टेड within the country but can also com को कम बोलते हैं, compete in markets located, located in other countries, other countries of the world similarly for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of good beyond what is domestically produced. Chinese twice in India, Chinese menu, देखिए वाई लिख दिए यहाँ पर यू, मेनू यू लिख दिए, manufacturers टी यू आई को चर बोलते हैं, ER को बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टूवाइज टू इंडिया है ना, एक्सपोर्ट किया, लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टूवाइज टू इंडिया वेयर टूवाइज आर सोल्ड एट ए हाई प्राइस, नॉट प्राइज, प्राइस, प्राइस पढ़ेंगे कोई भी सामान का दाम, जो दाम मूल्य को प्राइस बोलते हैं, प्राइज लोग बोल देते हैं, तो प्राइस बोलिए प्राइस, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया। ऐसे दोस्तों पढ़कर आप अपना देखिए कि आपने क्या गलतियां की है, इसको मिलाइए और जो है जहां से आप गलती हो रहा है वहाँ से करेक्ट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।